To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो बॉक्स जेंकिन के assumptions और कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था कि ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या होता है, मूविंग एवरेज मॉडल क्या होता है, ऑटो रिग्रेसिव को AR क्यों कहते हैं, मूविंग एवरेज को मूविंग एवरेज क्यों कहते हैं, और फिर इसकी हमने एक assumption डिस्कस की थी इस मेथडोलॉजी की, जिसमें हमने कहा था कि वेरिएबल शुड बी स्टेशनरी। अगर वेरिएबल स्टेशनरी है और आप उसको आर्मा मॉडलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आर्मा मॉडल इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि उसको स्टेशनरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आर्मा PQ मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से अगर वेरिएबल इटसेल्फ नॉन स्टेशनरी है, आपको उसको स्टेशनरी करना पड़े, तो जब इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे अरिमा मॉडलिंग, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज PDQ। P शोज नंबर ऑफ लेग ऑफ ऑटो रिग्रेसिव टर्म, I shows इंटीग्रेटेड कितने डिफरेंस के बाद आपने उसको इस्तेमाल किया है, इंटीग्रेटेड ऑफ फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस, एंड Q शोज नंबर ऑफ लेग ऑफ एरर टर्म। तो अब हम इसके स्टेप्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप्स देखें, नंबर वन बॉक्स जेंकिन का वो है आइडेंटिफिकेशन। किसकी आइडेंटिफिकेशन? वेदर वी आर यूजिंग आर्मा PQ और अरिमा PDQ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि ये तो हमें समझ में आ गया कि कितने AR के ऑर्डर होंगे तो PMA के ऑर्डर होंगे तो Q, और कितना डिफरेंस है तो वो I यानी T। लेकिन हमें ये पता कैसे लगे, हम इस बात को कैसे जान सकते हैं कि कितने P हमें लेने पड़ेंगे, कितने Q हमें लेने पड़ेंगे? याद रखिएगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। इसकी एक पूरी डिटेल है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। जब आप किसी भी सीरीज़ का कोरेलोग्राम ड्रॉ करते हैं, वो EViews में आसानी से बन जाएगा, जो उसका EViews का पार्ट की वीडियो उसमें वो चीज़ वैसे अवेलेबल है। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कुछ ऐसे नज़र आएगा, ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। अगर वैल्यू इस लाइन को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब एक कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। तो फॉर एग्जांपल ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये ऐसे इस तरीके से PACF भी कुछ ऐसे ही नजर आएगा। अच्छा, ये बात थोड़ा सा इसका फ़र्क ध्यान में रखें, हम बहुत डिटेल में अभी यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या बताता है? लेग 1 से कितना रिलेशन है सीरीज़ का, लेग 2 से कितना रिलेशन है। लेकिन जब लेग 2 के रिलेशन को ये मालूम कर रहा होता है ना, तो लेग 1 के रिलेशन को इग्नोर नहीं करता। तो इस लेग 2 का जो भी रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इसमें लेग 1 का रिलेशनशिप का इफेक्ट भी शामिल है। उसके इफेक्ट को कंट्रोल करके नहीं निकाल रहा कि सिर्फ लेग 2 से, नहीं, जब ये लेग 2 से निकाल रहा है तो ये वाला इफेक्ट इसमें पेनिट्रेट कर रहा है। इसी तरह जब हम पार्शियल की बात करते हैं तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, याद रखें पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या बताता है कि लेग 1 से अगर आप कोरिलेशन देख रहे हैं तो सिर्फ लेग 1 से ही देखेगा। अगर आप लेग 2 से देख रहे हैं तो वो लेग 1 के इफेक्ट को कंट्रोल कर लेगा, दूसरी तरफ पेनिट्रेट होने नहीं देगा दूसरे रिलेशनशिप में। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो कभी कभार होता यह है कि असल में सीरीज सिर्फ 1 लेग से ही कोरिलेट कर रही होती है, लेकिन बाकी भी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे होते हैं और नीचे तक। उसकी वजह क्या होती है? असल में तो कोरिलेशन सिर्फ यहाँ से आता है, बाकी सब कोरिलेशन इसलिए शो कर रहे होते हैं कि इसके इफेक्ट को कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता, वो सब में पेनिट्रेट कर रहा होता है, इसलिए इसको ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। और जब इस इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया जाता है तो हम उसको कहते हैं पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो याद रखिएगा, ये जो वो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ये 5% सिग्निफिकेंस क्रॉस हो रही है, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। ये लेग 1, लेग 2, लेग 3, ये भी लेग 1, लेग 2, लेग 3। याद रखिएगा PACF में जितनी पीक्स आएंगी इस तरफ, ये जो आपको लेवल क्रॉस हो रहा है, यहाँ से आपको पता लगेगा लेवल ऑफ P। यानी आपने कितनी ऑटो रेग्रेसिव टर्म इस्तेमाल करनी है। अब ये एक अलग डिबेट है इसमें कि आप PACF से P क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और ACF से हम इस्तेमाल करेंगे Q, यानी MA की कितनी टर्म आपने इस्तेमाल करनी है, ये एक अलग डिबेट है कि इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली अंडर डिफरेंसिंग को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये ओवर डिफरेंसिंग को कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक अलग डिबेट है, अभी हमारा फोकस ये नहीं है। बस ये ध्यान में रख लें कि ACF में जो पीक्स हैं वो PACF में पार्शियल ऑटो कोरिलेशन में जो पीक्स हैं वो ऑटो रेग्रेसिव के ऑर्डर बताएंगे और ऑटो कोरिलेशन में जो पीक्स हैं वो MA के ऑर्डर बताएंगे कितना क्यू है। और ये आप पहले जान चुके होंगे कि स्टेशनरी करते वक्त ही कि वेरिएबल स्टेशनरी है या नहीं। अगर वो नॉन स्टेशनरी था तो उसका मतलब आप ARIMA PDQ इस्तेमाल कर रहे होंगे और अगर वो स्टेशनरी था तो आप ARMA मॉडल PQ इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये तो थी आपकी आइडेंटिफिकेशन कि आप ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन के थ्रू आप ये बात जान सकते हैं कि AR कितने ऑर्डर तक जा रहा है और MA कितने ऑर्डर तक जा रहा है, यानी वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ Q। तो ये तो था इसका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको भी इनसिग्निफिकेंट ले लेते हैं। तो हमें दो चीज़ें नज़र आएँ, अगर हम P देखें तो हमें एक हाइट नज़र आ रही है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू नज़र आ रही है। तो हमने कहा इसका मतलब P की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं AR1। और दूसरा क्या है, ACF में भी Q एक ही हाइट नज़र आ रही है, इसका मतलब है MA का भी हम क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, MA भी Q की वैल्यू भी 1 आ गई। अच्छा, जब हम मॉडल एस्टिमेट करेंगे तो याद रखिएगा सिर्फ हम एक मॉडल एस्टिमेट नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए हमारे पास, अब इसके हम डिफरेंट मॉडल्स एस्टिमेट करेंगे। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है Y और ये डिपेंड कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पर देख चुके हैं, AR1 पे, यानी ऑटो रिग्रेसिव 1 लेग के साथ और मूविंग एवरेज 1 लेग के साथ। तो हमने यहाँ पर कहा कि इट डिपेंड्स ऑन AR1 एंड MA1। अच्छा, ये तो जहन में रखें, ये तो पॉसिबल लेग्स हैं जो हमने कंसिडर किए हैं, इसकी तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन हमने लेने हैं। जैसे एक हमने लिया फंक्शन जिसमें AR1 भी शामिल है MA1 भी शामिल है, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसके सब सैंपल भी बना सकते हैं और बनाएंगे कैसे, एक मॉडल बनेगा जिसमें हम दो में ना सिर्फ AR1 लेंगे, सिर्फ AR1 से मॉडल रन करके देखेंगे। अच्छा, फिर एक और मॉडल लेंगे जिसमें हम सिर्फ MA1 से मॉडल को लेके देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास एप्रोप्रिएट लेग्स आएंगे उन तमाम लेग्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशन है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मॉडल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन। लेट सपोज जैसे हम यहाँ पर देख चुके हैं कि अगर वेरिएबल स्टेशनरी होगा तो ARMA इस्तेमाल कर रहे होंगे, ARMA PQ, और वेरिएबल नॉन स्टेशनरी होगा और आपको स्टेशनरी बनाना पड़ा होगा तो आप ARIMA PDQ इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक मॉडल है ARMA और एक है ARIMA, ARMA PQ और ARIMA PDQ। अगर आप इस फर्स्ट मॉडल को कंसिडर करें तो इसका मतलब है P भी 1 है AR1, Q भी 1 है MA1, तो इसका मतलब है हम इस्तेमाल करने जा रहे होंगे ARMA, पहला मॉडल जो ARMA 1 1। इस तरह अगर दूसरा मॉडल इस्तेमाल करने जा रहे हैं और अगर वेरिएबल स्टेशनरी है तभी हम ARMA की बात कर रहे हैं, तो ये होगा क्योंकि इसमें Q है ही नहीं तो हम कहेंगे 1 ARMA 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर जिसमें सिर्फ MA टर्म है, AR टर्म है ही नहीं, तो हम इसका कहेंगे ARMA 01 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपने देखी होंगी रिसर्च पेपर्स में भी और दूसरे बुक्स में भी। लेकिन लेट सपोज आपका वेरिएबल स्टेशनरी नहीं था, नॉन स्टेशनरी था, आपने उसको स्टेशनरी बनाया फर्स्ट डिफरेंस लेकर, तो एज्यूम करते हैं D इक्वल टू 1 है, यानी आपने फर्स्ट डिफरेंस लिया और वो स्टेशनरी हो गया। तो ऐसी सूरत में ये वाला मॉडल क्या होगा, 1 1 1, क्योंकि AR भी 1 है, MA भी 1 है और D भी 1 है। सेकंड पे आ जाए ARIMA, यहाँ पे सिर्फ AR टर्म है तो AR यानी P 1 है, D 1 है, Q 0 है, तो ARIMA 1 1 0। और इसी तरीके से अगर MA का मॉडल आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो इस कंडीशन में AR ये 0 होगा, ये 1 एंड दिस 1। तो ये आपके पास आ गया ARMA और ARIMA, जो भी अप्रोप्रिएट मॉडल है उसके ये PDQ और PQ के वैल्यूज़ आ गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मॉडल बहुत सारे हैं, इनमें से कौन सा मॉडल सेलेक्ट करें जिससे आप वैल्यूज को फोरकास्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ स्केल्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं। नंबर वन, इनमें से जो वेरिएबल्स हैं ज़्यादातर किस में सिग्निफिकेंट है, यानी वेरिएबल्स का सिग्निफिकेंट होना ये बताएगा मॉडल बेहतर है। दूसरी एक और चीज़, जब आप AR और MA की एस्टिमेशन करते हैं तो वहाँ वॉलेटिलिटी से रिलेटेड एक चीज़ दिखाता है सिग्मा स्क्वायर, बेसिकली ये वॉलेटिलिटी को शो करता है। ये मिनिमम होना चाहिए। तीसरी चीज़, जिस मॉडल में ये मिनिमम हो वो एप्रोप्रिएट मॉडल हो सकता है, जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो वो एप्रोप्रिएट मॉडल हो सकता है। तीसरी चीज़ एडजस्टेड आर स्क्वायर, ये जिसमें मैक्सिमम होगा, यानी जिसमें भी वो मैक्सिमम होगा वो एप्रोप्रिएट मॉडल हो सकता है। चौथी चीज़ अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, शवाज इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया, ये क्या होने चाहिए, ये मिनिमम होने चाहिए। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेस पर हम ये बात डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन सा मॉडल ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि MA1 मॉडल आपके पास ज़्यादा अच्छा आया है, जिसमें ये भी ज़्यादातर सिग्निफिकेंट है, वेरिएंस भी मिनिमम है, एडजस्टेड आर स्क्वायर भी ज़्यादा है और ये दोनों भी मिनिमम है। ओके जी ठीक है, तो हमने एस्टिमेशन पूरी कर ली। ये जो हमने सिलेक्शन कर ली ना मॉडल की, इसके बाद हमने एस्टिमेशन पूरी कर ली। अब एस्टिमेशन पूरी करने के बाद हमने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने क्या करना है कि इस एस्टिमेशन, जो भी मॉडल हम एस्टिमेट करेंगे, इसका कोई रेजिडुअल निकलेगा यानी एरर। एक लाइट सा डिफरेंस है रेजिडुअल और एरर में, वो बाद में वो दूसरी वीडियोस में इंशाल्लाह वो क्लियर होगा। रेजिडुअल आप निकाला, याद रखिएगा रेजिडुअल और एरर शुड बी स्टेशनरी। अगर रेजिडुअल स्टेशनरी आ गया तब तो आप फॉरकास्टिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर ये रेजिडुअल स्टेशनरी नहीं आया तो ऐसी सूरत में आप वापस ऊपर चले जाएंगे, फिर आप AR और MA की डिग्रीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट ऑर्डर्स पे लेकर, फिर आप एस्टिमेशन करेंगे, फिर यहाँ ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसीलिए इसको इटरेटिव प्रोसीजर भी कहते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पे ये काम नहीं हुआ, दोबारा रिपीट करेंगे, फिर आएंगे काम नहीं होगा, रिपीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये स्टेशनरी आ गया तो इसके स्टेशनरी आने का मतलब ही यही है, आप वहाँ पे इस स्टेशनरी आने के बाद फर्दर फोरकास्टिंग के लिए मूव कर सकते हैं। अच्छा, रेजिडुअल की स्टेशनरी के लिए आप डिफरेंट चीज़ें, आप कन्वेंशनल यूनिट रूट भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट रूट टेस्ट जो हमारी स्टेशनरी वाली वीडियोस में सब अवेलेबल है, यूनिट रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्यू स्टैटिस्टिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जब रिग्रेशन रन करते हैं वहीं पर आता है, इसका जो हमारा EViews का मॉडल है उसमें वो सारी चीज़ें ऐसे ही गिवन है। तो ये आपके पास रेजिडुअल स्टेशनरी हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो एक बार हम रिपीट करते हैं कि पहली दफ़ा हमने क्या, आप पहला स्टेप क्या है, आपने आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन मतलब यानी AR के कितने लेग्स आप यूज़ कर रहे हैं, ऑटो रिग्रेसिव के MA की कितनी टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कौन से ऑर्डर का AR है और कौन से ऑर्डर का MA है। अगर स्टेशनरी है तो ARMA मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है स्टेशनरी नहीं है, स्टेशनरी करना पड़ा तो ARIMA मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ हो गया। फिर इसके बाद आपको AR और PQ पता कैसे लगेगा, आपने कहा ACF और PACF से आप AR के ऑर्डर पता करेंगे, AC से आप MA के ऑर्डर पता करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज आई थी वो आई थी आपके पास AR1 और MA1, तो आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल आ गया वो AR1 और MA1 आ गया। एस्टिमेशन करने के लिए हमने क्या काम किया कि सबसे पहले हमने बहुत सारे मॉडल्स बना लिए कि इन मैक्सिमम जो हमारे पास नंबर आए यानी AR1 और MA1, इससे मैक्सिमम मॉडल्स कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर बना AR1 MA1, फिर सिर्फ AR1, फिर सिर्फ MA1, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये मॉडल है और वेरिएबल स्टेशनरी है तो ARMA इन ऑर्डर्स का मॉडल रन हो रहा है, और अगर वेरिएबल स्टेशनरी नहीं है, उसको स्टेशनरी बनाया गया तो इस मॉडल का रन हो रहा है। इसके बाद ये तमाम मॉडल रन करने के बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि कौन सा मॉडल हम एप्रोप्रिएट कंसिडर करें। हम यहाँ पर इन चार चीज़ों पर आ गए जिसमें ज़्यादातर वैल्यू सिग्निफिकेंट है, जिसका वॉलेटिलिटी मिनिमम है, जिसका एडजस्टेड आर स्क्वायर मैक्सिमम है, जहाँ पर अकाइक इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया और शवाज क्राइटेरिया मिनिमम आ रहा है। तो ये जहाँ पर ज़्यादातर मैच करेगा वो मॉडल हम पिक करेंगे। लेट्स सपोज हमने एक मॉडल पिक कर लिया ये। अभी जब मॉडल हमने पिक कर लिया तो हम इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है थर्ड स्टेप किया, हम इसका निकालेंगे रेजिडुअल और एरर। अगर वो एरर स्टेशनरी आया, इस एरर की स्टेशनरी आप कन्वेंशनल यूनिट रूट से भी चेक कर सकते हैं, क्यू स्टैट से भी चेक कर सकते हैं। अगर स्टेशनरी आया तो आप अपने एनालिसिस को फर्दर किस तरह मूव कर देंगे, फॉरकास्टिंग की तरफ मूव कर देंगे। तो ये थे बॉक्स जेंकिन और ARMA ARIMA मॉडल के स्टेप्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।